राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त कटिहार में है, लेकिन भीड़ आप देखिए। और इसके साथ साथ बड़ी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राहुल गांधी जिस कार पर मौजूद थे, बस को छोड़कर के कार पर थे, उस कार का शीशा तक टूट गया है। तस्वीरें आप दिखाइए, राहुल गांधी उस बस को छोड़कर के बीच बीच में इस कार पर बैठ रहे थे और इस कार से लोगों के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस कार का जो पीछे का बैक शीशा है वो भी टूट गया है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी इसी कार के अंदर मौजूद हैं, इसी कार में राहुल गांधी मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी इस कार के अंदर मौजूद हैं और बीच बीच में जहाँ पर छोटे रास्ते होते हैं वो बस की बजाय इस कार से सफ़र को तय करते हैं। और ये राहुल गांधी को इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी कार में मौजूद है, पीछे का शीशा पूरा टूट गया है। तो राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त में भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कटिहार के अंदर है। क्या कहेंगे लोग उमड़ करके आए हैं, अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर। तो तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी कार से उतर गए हैं, पीछे चले गए हैं और कार सर, एक मिनट छोड़ी थोड़ा सेल्फी बाद में प्लीज। ये तस्वीर आप देखिए, तो कार का जो शीशा था वो टूट गया है। किस तरह से अव्यवस्था का आलम है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। राहुल गांधी की कार, इस कार में राहुल गांधी बीच बीच में बैठते हैं और ये देखिए इस कार का शीशा टूट गया है। इसी से राहुल गांधी बाहर निकलते थे और बाहर निकल करके जो छोटे रास्ते होते हैं उसको इससे सफ़र तय करते थे, लेकिन लोग इस तरह से उमड़ रहे हैं और नेता जो है पहुंचा रहे, सिक्योरिटी होती है। तो ये शीशा जो है पीछे का आप देख रहे हैं, राहुल गांधी की कार का शीशा, जिस कार के जरिए वो इस यात्रा का कुछ हिस्सा तय कर रहे थे, तो इसका पूरा शीशा जो है टूट गया है। और अब राहुल गांधी को यहाँ पर दूसरी गाड़ी में बैठना पड़ा है और वो दोबारा बस में चढ़ गए। तस्वीर आप आगे इसे दिखाइए, ये कटिहार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिहार के कटिहार में यात्रा पहुँची है कि राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर उमड़ रहे हैं और पुलिस को जैसे तैसे करके लोगों को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। हम भी काफ़ी पीछे जो है वह छूट गए थे और उसके बाद में बड़ी मशक्क़त से हम लोग आगे तक यहाँ तक आ पाए। और अब जो सुबह का ब्रेक होता है वहाँ पर ये यात्रा रुकेगी। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, राहुल गांधी के पीछे चलने वाला काफिला, सिक्योरिटी काफिला, नेताओं का काफिला और लोग हुजूम किस तरह से खड़े होकर के राहुल गांधी को देखते हैं, राहुल गांधी का स्वागत करते हैं। ये तो कुछ खाने सामान ले गया है, सब्जी। देखिए एक आम आदमी है जो सुबह सुबह अपना खाने पीने का जो रोज़मर्रा का जो सामान है वो लेने के लिए घर से निकला है और वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि मुझे याद नहीं आता है कि पहले कभी ऐसी भीड़ रही हो। तो ये भीड़ केवल देखने भर के लिए आ रही है या आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, जब तस्वीरें या बीच बीच में दिखाते रहिए, तो लोगों से जब बातचीत करते हैं तो कुछ राहुल गांधी को लेकर के लोगों की सोच है, समझ है, वो अलग तरीके से दिखाई देती है, केवल देखने के लिए चिल्लाने या फिर अलग तरीके का माहौल होता है, लोग कई बार उत्साह के अंदर भी आ जाते हैं, तो सिर्फ उस लिए आ रहे हैं? नहीं, केवल देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये इनका आंतरिक रूप में इनका समर्थन भी है, लेकिन कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, बोलने में संकोच करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग जो है इनका आंतरिक रूप में समर्थन करते हैं। कोई जुड़ाव भी है या केवल देखने भर के लिए? जुड़ाव है राहुल गांधी से और ये परिवर्तन के लिए सब आदमी तैयार है इस बार। अब राहुल गांधी पप्पू नहीं रहा, ठीक है, बहुत बोलने वाले हो गए, ठीक है, अब भारत जोड़ो और भारत जुड़ेगा और हम मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे, इतनी खुलेगी मोहब्बत की दुकान कि नफरत की दुकान खोलने वालों की इतनी बंद हो जाएगी, सेक्टर बंद हो जाएगी। और ये जो है नौजवानों में, आपने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं रहा, ये आपका पहला सेंटेंस जी, क्यों आपको ऐसा लगता कि पहले राहुल गांधी पप्पू था और अब नहीं? लोग कहते थे, बीजेपी वाले कहते थे ये झूठ था, राहुल गांधी बोलेंगे और अभी भी बोलेंगे और हमारे बीच से गए, बोलेंगे भी। जो आप अगर ये राजनीतिक है तो ये राजनीतिक चलनी चाहिए और इस राजनीतिक से गरीब वाले कम से कम पेट तो पलते हैं ना गरीब लोगों के, और कोई बढ़ती है गरीब की पेट नहीं भरती, कैसे नहीं भरती, कैसे नहीं भरती, आप क्या करते, कैसे नहीं भरती, क्या करते हो आप जी? हम मीम्स बनाते हैं राहुल गांधी, मीम्स बनाते हो? हाँ,
आप मीम्स बनाते हो? हाँ। कैसे मीम्स बनाते हो? कैसे बनाते हैं? जैसे बनती है। नहीं, क्या लिखते हो, क्या बनाते हो बताओ। जैसे हम चैट लिखते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर। हाँ। कई सारे शेयर करते हैं, कई सारे उसके। क्या आप कांग्रेस के ITSL में हो कि कैसे? नहीं, हम नहीं हैं। तब हम कांग्रेस के पार्टी, मतलब उनके सपोर्ट में हैं। अच्छा, तो पहले उनके फैन है राहुल को बचाव करने में? नहीं, राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान है और अच्छे रहेंगे। नौजवानों के लिए एक मसीहा बन के ये खड़े हैं और सारे नौजवानों को एक साथ साथ देना चाहिए। राहुल गांधी को 2024 में हम लोग को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बनके खड़े भी रहेंगे और खड़े भी रहेंगे। गरीब का नेता है ये, बड़े उद्योगपति के नेता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी ये कहते हैं कि अभी भी एक मौका तो मोदी का ही है, राहुल का भी चांस नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये परिवर्तन की भीड़ है और नौजवान बेरोजगार होकर के रोड रोड भटक रहे हैं और वो सारे चीज अपना परेशानी को किसको बताएं? वो तो सुनने वाला होना चाहिए। ये बड़े उद्योगपतियों की नेता है जो कि हम नौजवानों को नहीं सुन रहे कुछ भी। 2024 मोदी साहब तो है, 2024 में मोदी साहब उसका 161 सीट से बेसी नहीं जाएगा बीजेपी का। राहुल गांधी है, अगर आ गई बीजेपी का, अगर बीजेपी का, बीजेपी का 161 सीट से अगर बेसी आ गया, मैं आपको स्टाफ पेपर नहीं करता हूँ। एक बार पलटी नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार आ गए, अब तो पलटू राम है भोसले का, पलटू राम है। टडियो का भी जाना बिहार में एक खाता भी नहीं खुलेगा 2024 में, आपको मैं नहीं देता हूँ। टडियो का साफ हो जाए, अगर नीक निकल गया, आप मेरा न्यूज देख लीजिएगा, इतिहास दीजिए मेरे ऊपर। बीजेपी का 4 सीट बिहार में, ये लोग वोट डालेंगे जी, बिल्कुल। इस बार 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकना है, भेजना है उसको अमेरिका, भेज देना इस बार बिहार में 23-20 बार आएंगे। बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ शुरू से आप कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कवरेज आपसे मिलने का बहुत खुश हुआ। मैं आपका चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हूँ, मैं आपका न्यूज को बराबर देखता हूँ सर, आज दिल खुश हुआ आपसे मिलके। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मणिपुर में भी देखा, बहुत अच्छा। आप सच दिखाने की हिम्मत रखते हो, आपका सारा जितना वीडियो जाता है, जितना वीडियो जाता है हम लोग देखते हैं और सच दिखाते हो आप। आप अंजना ओम कसम के जैसा नहीं है, वो जो रूबिका लिया कर वो लोग के जैसा नहीं, वो लोग सिर्फ चतुरारी करती है, समझे सर? वो लोग देश को बर्बाद कर रहा है। एक भी हल्ला नहीं, देखिए सच जो सच दिखाता हम लोग उसके साथ है। आज वो टीवी पे जो है ना, एक मिनट, टीवी पे जो है ना ये रूबिका लिया कर ओम कसम और दो तीन और है जिसका नाम हम भूल रहे, वो लोग खाली दंगा फैलाता है, समझा, उल्टा पुल्टा बोलता है और आम पब्लिक को बेवकूफ बुलाता है। सच्चा न्यूज दिखाते नहीं है, जो बोलने का वो बोलता नहीं है, रोजी रोजी काट पर कुछ बात नहीं करेगा। सोशल मीडिया राहुल गांधी थोड़ा क्या, ये थोड़ा क्या जी, इधर आइए इधर सर। डॉक्टर लोग मैं मास्टर लोग उस इंटरव्यू लीजिए, एक मिनट इधर। मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रहा हूँ कि ये केवल एक बार थोड़ा हम लोग थोड़ा तसल्ली से इत्मीनान से बात करें ताकि देश के लोग देख रहे हैं तो उनको थोड़ा बात भी समझ में आए, केवल हल्ला नहीं, ठीक बात है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो नौजवान तबका है, ये आपको लग रहा है कि जोश में ज्यादा है, ये हल्ला गुल्ला ज्यादा कर रहा है, या इस वक्त सच में कुछ ऐसा है जो जमीन पर बदल गया है और जमीन पर कुछ हवा जो है वो बदली हुई है और वो जो है वो दिखाई दे रहा है, या केवल एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, तो ये केवल जो है वो हल्ला गुल्ला ज्यादा है या सच में कोई जमीनी उत्साह है? ये हल्ला गुल्ला नहीं है, ये सच्चाई है। आप इनके भाव को देखें,
आप इनके एक्सप्रेशन को देखें, इनके एक्सप्रेशन में सच्चाई है। ये लोग देख रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, ये किसान हैं, ये काम करने वाले, सारे लोग जानते हैं देश का वातावरण को। ये पिछले कई वर्षों से जो है 8-10 वर्षों से ये लोगों ने जो दूषित किया है, ये अच्छी बात नहीं है। ये स्वस्थ राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है। स्वस्थ राष्ट्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को जोड़ना चाहिए, हर कास्ट कम्युनिटी को जोड़ना चाहिए। ये सारे लोगों को लेकर के चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो ये सच में मतलब कि आपको लग रहा है कि राहुल के साथ में लोग जुड़ रहे हैं या कुछ बदलाव जो है वो लोग महसूस कर पा रहे हैं, या लोग लग रहे हैं कि नहीं ठीक है राहुल की यात्रा ही हम देखने के लिए जा रहे हैं, बाकी वोट वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी ही बने? निश्चित तौर पर बदलाव है और बदलाव आएगा। आप देखेंगे 2024 में जो है, ये केवल यहाँ नहीं पूरे भारत, आज जहाँ जहाँ से कवर कर रहे हैं वहाँ भी आपने देखा है, लोगों का जो लोगों का भाव देखा है, जो लोगों का जोश देखा है, वो जो है आंतरिक रूप में है, ये बाहरी रूप में नहीं है। ये जो भीड़ है सर, ये पैसा से पहले पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। न्याय यात्रा का ये हिस्सा है जो सच के साथ खड़ी है, और यहाँ का रोजगार बेरोजगार है, यहाँ पे हमेशा अंधकार में रखा गया बिहार को, इसलिए बिहार इस बार कांग्रेस राहुल के साथ है। और सारे जो रोजगार यहाँ नौजवान खड़े हैं, न कि पैसे से बुलाए गए, सब अपने न्याय में और अपने हक के लिए। आपके हाथ में क्या है ये झोला? कहाँ जा रहे हो? यहाँ बेरोजगार सब झोला है, देख रहे हैं ना, झोला लेकर हम लोग फिर रहे हैं, रोजगार के लिए तलाश में है। तो इसीलिए आज अपने हक के लिए और अपने अधिकार के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं हम लोग, न कि ये भीड़ पैसे से बुलाई गई है। राहुल गांधी सच के साथ है। समझने वाली ये है कि अभी जिससे हम बात कर रहे थे वो अपना कुछ सामान लेने के लिए गए थे, ये अपना कुछ काम धंधे के लिए निकले हैं, तो वो लोग राहुल गांधी को सुनने समझने के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जो काम के लिए निकले हैं या कुछ काम करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से दाढ़ीदार मजदूर जो है वो बसों में भरे हुए हैं और केवल वो भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है। तो हम लोग जो है राहुल गांधी के प्रोग्राम पर रुके हुए हैं, अगर आ गए हैं तो कुछ बाजार भी कर लेंगे। क्या उम्र, कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र 66-68 है सर। सर ये कटियार में ऐसा प्रोग्राम किसका देखा है, ऐसा रैली या ऐसा रैली किसी का नहीं देखा है, जो अभी अभी तक नहीं देखा है। हम लोग जो है राहुल गांधी का कांग्रेस का आदमी है, राहुल गांधी की शांत है, राहुल गांधी गरीब का मसीहा है, राहुल गांधी गरीब का मसीहा है। हम लोग ये रोजितपुर क्या कह रहे हो, झलक पाने के लिए 10 साल में मोदी सरकार कोई वैकेंसी नहीं दे पाई है, युवाओं को बेरोजगार करके रख दिया है, बाप तबाह बेटा से, देश तबाह मोदी जैसे नेता से। डॉक्टर लोग वहाँ पे रुका है, टीचर लोग से एक मिनट के लिए इंटरव्यू ले लीजिए सर, एक मिनट। कहा है, हम तो बगल में ही है सर। गरीबों का मसीहा है और उनके आने से इतनी भीड़ लग गई, सिर्फ सड़कों पर इतनी भीड़ लग गई, मतलब गरीबों का मसीहा। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल के साथ में, मैं तो भीड़ जो यहाँ पर देख रहा हूँ वो अलग तस्वीर है, लेकिन जो बीजेपी कह रही है वो मैं बात कहता हूँ कि मुसलमान जो है वो ज्यादा है, मियां लोग ज्यादा है। नहीं नहीं, उसके साथ सब है, गलत है। मेरा नाम हुआ कार्तिक कुमार। हाँ, पंडित जी है। हाँ, बाप तबाह बेटा से, देश तबाह मोदी जैसे नेता से, मोदी को हटा के ही दम लेना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये चौक पर हिंदू मुस्लिम एक है, ये चौक पर। मेरा नाम मामा मथुरू बसेन जिद्दी, मैं अभी का प्रोग्राम का प्रभारी हूँ, मेरा घर परदेली पड़ता है, हम लोग रोजपुर सब वगैरह एक है। यहाँ का नौजवान राहुल गांधी को चाहता है और चाहेगा। चलिए देखिए, ये लोग जो है पकड़ देते हैं तो छोड़ते नहीं है। राहुल गांधी जिंदाबाद। सवाल लेकिन यही है, अब कहाँ जा रहे हैं क्या पे? नहीं, हम लोग इन्हीं को देखने आए थे, मिलना था इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद कमाल। तो ये कुछ बदलाव भी है या केवल बस देख ही रहे लोग? नहीं, बदलाव होना चाहिए, बदलाव हर स्टेट से लेकर केंद्र तक बदलाव होना चाहिए। बदलाव नहीं होने से एक नेता हमेशा के लिए रह जाएगा, उसका मोनोपोली बढ़ जाएगा, जो अभी हो रहा है वर्तमान में। इसको खत्म करना, हम जनता को मिलकर खत्म करना है। ये मोहब्बत का दुकान का भीड़ जो आज है, ये मोहब्बत का दुकान मोदी जी भी चला सकते थे। मोदी जी मोहब्बत का दुकान नहीं चला के नफरत का दुकान खोल के रखे हैं। नफरत दुकान हमसे ज्यादा आप भी देख रहे हैं, आप हर जगह जाकर कवरेज करते हैं, हम तो कवरेज करते नहीं, हम आपको नहीं सुनते हैं। हम सोशल मीडिया देखते हैं, दलाल मीडिया को नहीं देखते, सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया में हकीकत आता है, हकीकत है सोशल मीडिया में। जिसको जो मेन न्यूज है, जो दलाल मीडिया है, वो सही चीज दिखा दे भारत में, तो भारत से नफरत खत्म हो जाएगा। सही बात है।
भारत से नफरत है, आज इतना नफरत क्यों है, भारत में इतना नफरत क्यों है? हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ताकत है भारत का, एक नींव है, आप नींव को कमजोर कर रहे हैं, नींव को कमजोर करने के बाद आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीए लेकर के आ रहे हैं, अभी 7 दिन में सीए लागू होगा, क्या होगा भैया? सीए लेके तो आप आसाम में आए, सीए लेके तो आसाम में आए, सीए का मतलब क्या हुआ? सीए मुसलमान के लेके आ रहे हैं, सीए में वहाँ आसाम में कितना निकला आपका बांग्लादेशी हिंदू? क्या हिंदू भाई बांग्लादेश का नहीं है? मुसलमान बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का हिंदू हिंदू नहीं है, पाकिस्तान का सिर्फ मुसलमान मुसलमान यहाँ पाकिस्तानी है, जो अदर स्टेट से आ गया भैया। तो जमीन पर हो, जमीन पर भी क्या माहौल आपको ज्यादा समझ? जमीन पर माहौल हमको जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, रावण का नाम ना जान नाभि में था, मोदी का जान ईवीएम में, ईवीएम हट जाएगा, मोदी हट जाएगा, कहीं नहीं रहेगा मोदी जी। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन सरकार आप आते हैं किस लिए? जनता के लिए आते हैं, देश के लिए आते हैं, समाज के लिए आते हैं। समाज ने आपने किया, समाज को तोड़ दिया, भाई भाई को तोड़ दिया। हम हिंदू मुसलमान, हम हिंदू मुसलमान एक भाई भाई के तरह थे, आज एक नफरत की नजर से मुसलमान को देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्यों देखा जा रहा है मुसलमान को नफरत की नजर से? क्या मुसलमान का भारत में कोई योगदान नहीं है? इतिहास भूल गया है लोग, व्हाट्सएप इतिहास, फेसबुक इतिहास पढ़ रहे हैं सब, भारत का और भी इतिहास पड़ेगा तो इतिहास पता चल जाएगा बीजेपी के बराबर नेता को। कब तक चलेगा? मुसलमान की कुर्बानी को भूल गया? मुसलमान जो भारत में कुर्बानी दिया है, अंग्रेज से भाग गया, ये लोग भगा दिए, इनके पूर्वज भगा दिए, इनके पूर्वज तो चमचागिरी कर रहे थे अंग्रेज का, इनका पूर्वज चमचागिरी कर रहे थे, सबका योगदान है। आप योगदान को कैसे खत्म कर दीजिएगा? हम अब बोले भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ताकत है, भारत का मजबूती है, भारत को कमजोर मत कीजिए, भारत कमजोर हो जाएगा इसका भारत को पछतावा होगा। गली मोहल्लों में अब जो है वो बदलाव चाह रहा है, लोग बदलाव चाह रहा है, अब बात बदल गई है। हाँ, बदलाव चाह रहा है, बेरोजगारी हटाओ। हाँ, बेरोजगारी, आप तो आए थे 14 में, हम रोजगार देंगे, कितना रोजगार दिए भैया? काला धन लाएंगे। एक मिनट में हाँ। ये आप पंडित जी हैं? हाँ हाँ, दोबारा से बताइए। मेरा नाम हुआ कार्तिक कुमार। मैं अभी देख रहा था, मैं अभी पीछे पीछे आ रहा था, और झंडे जो है वो बहुत सारे जय श्री राम वाले और उस तरह से लोगों के घरों पर लगे हुए हैं। हाँ। वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पर भी देखिए, वो वहाँ पर भी लगे हुए झंडे। हाँ। तो ये आपको लगता है कि ये मंदिर लहर झंडा लगा करके जो एक भगवा लहर खड़ी करने की कोशिश हो रही है, वो जमीन पर खड़ी भी हो पा रही है, या केवल जो है वो झंडे झंडे हैं और बाकी नहीं है, या फिर सच में खड़ी हो गई है और राहुल का इस बार जो है वो मंदिर की वजह से कोई दाव नहीं है? नहीं, राहुल गांधी जी का इस बार पूरा प्रभाव है, झंडा से कुछ नहीं होगा, राम मंदिर के झंडा से। युवाओं को रोजगार चाहिए, और युवा जो है रोजगार लेने के लिए मोदी सरकार को हटाकर फेंकेगी, और मोदी सरकार मुझे लगती है जो बनारस से भी हार जाएगी, और पूरा देश में कहेंगे कि आप कट्टर कांग्रेसी हो यार, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हो, बनारस से हार जाएगी। क्या आपको समझ में आता कि बनारस से हार जाएगी? क्योंकि बेरोजगार कर दिया है युवाओं को, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, बहाली साफे कम कर दिया है, सब कुछ को प्राइवेट कर रहा है, सरकारी कोई चीज नहीं। कितने दोस्त बोलते हैं ऐसा? बहुत दोस्त को बोलते हैं। नहीं, आपके ऐसे और कितने दोस्त ऐसा है जो आपके तरीके से इस बात को कहते हैं? जिसको जीरो लगा दिया, करीब लाखों दोस्त ऐसा है जो कहते हैं। 125 मोदी जी हमारे लगाए थे, आपको 10 रुपये टिकट था तो 30 रुपये लॉकडाउन किए थे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हटाया जाए, मगर ऐसा कहीं कोई बात नहीं हुआ। जो ट्रेन हमारा जीरो लग गया, उस ट्रेन हमारा विदेश कंट्री ने बिक चुका है, समझे ना? ये ट्रेन अब हमारे मोदी जी के हाथ नहीं है कि उसकी टिकट के दाम घटाया जाएगा, कोई इसका प्रभाव नहीं है मोदी जी की तरफ। मतलब जो कोरोना के समय पे दाम बढ़े थे वो नीचे नहीं, अभी तो नीचे नहीं आए, वो जीरो लगा कर 30 रुपये किया गया था, 10 के बदले 30 किया गया था, जीरो हटा के, वो जीरो नहीं हटा, नहीं कीमत हटाया गया, इसलिए वो ट्रेन जो है विदेश के कंपनी आते हैं उसको बेच दिया गया, तो हटाएगा, उसके पास पावर नहीं है, उससे पावर रहेंगे तभी ना घटाएंगे ना सर। वो अभी जोगबनी जो हम पहले 10 रुपये में जाते थे, अभी 50 रुपया लगता है कटिहार का रेलवे स्टेशन, रेलवे का टिकट का भाड़ा, जो जोगबनी 10 का टिकट था अभी 50 लगता है, ये सब क्या महंगाई है ना? सब लोग चेक करता, फर्जी बात मत बोलना। नहीं, हाँ चेक कीजिए, सही बोल रहा हूँ। देखिए, अभी क्या है, हिंदू मुस्लिम सबको हिंदू मुस्लिम में फंसा दिया है,
राम मंदिर बनाया, चलो मंदिर बनाया ठीक है, नेता को हम क्यों चुनते हैं? नेता को हम इसलिए चुनते हैं वो सड़क बनाए, बिजली करे, पानी दे, शिक्षा दे। राम मंदिर तो चलो बना देगा आपने पंडित जी संभालेंगे, हम लोग क्या करेंगे? राम मंदिर जाके पंडित जी खुद रोजगार के लिए पूछ रहे हैं। देखिए उनका भी यही रोना, हमका भी यही रोना, सबका यही रोना है। राम मंदिर बना के सबको बेवकूफ बनाया है। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। माहौल सच में बदल गया है क्या जी? माहौल सच में बदल गया है क्या? एकदम सच में बदल गया है। राहुल गांधी जीतेगा इस बार, ऐसा बोलते हैं लोग क्या? नहीं बोलते, नहीं हकीकत में होगा। अच्छा हाँ, इस बार पनौती को हटाना है कि नहीं भाई? पनौती को हटाना है ना? हाँ, तो इस नफरत की बाजार को खत्म करना पड़ेगा। ये जो नफरत हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इसे हटाना पड़ेगा, और इस पनौती को इस देश से भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश बेच के खा लेगा ये पनौती। चलिए, हम लोग को राम मंदिर नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। चलिए, तो सवाल यही है कि चार लोग भी जहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर चार लोग भी ऐसे हैं जिनसे बात करते करते दो घंटे बात हो सकती है, और ये कोई प्रवक्ता नहीं है, ये अपने हाथ में हेलमेट लिए हुए हैं। मोटरसाइकिल कहाँ आपकी? मोटरसाइकिल वहाँ लगा दी है। मोटरसाइकिल वहाँ लगा दिया है। तो ये ऐसे लोग हैं जो राह चलते हुए रुक गए, और ऐसे लोग हैं जो राह चलते हुए रुक गए और रुक करके यहाँ पर या तो कैमरा देख करके अपनी बात को कहने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, या ये यात्रा जा रही है तो उसको देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए भी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या केवल यात्रा जहाँ से गुजर रही है वहीं पर इस तरह का क्रेज़ है या उसके अलावा भी है, या यात्रा जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर जितने लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं या इस यात्रा में आ रहे हैं वो लोग 2024 में वोट भी करेंगे या नहीं करेंगे? तो सवाल बहुत सारे हैं, और अभी भी जिस तरह से मोदी सरकार अगले 3-4 महीने के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के आएगी उन पर लोगों का क्या रिएक्शन होगा, उनको लोग कैसे देखेंगे, कैसे तोलेंगे, कैसे समझेंगे, ये सारे बड़े सवाल है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, और यहाँ पर लोगों ने जो प्यार दिया उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।